नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मई 2021 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आए दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों इस दिन बुधवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी और इस दिन घनिष्ठ नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन ब्रह्म नाम का शुभ योग शाम के 7:37 रहेगा। उसके उपरांत इस दिन इंद्र नाम का शुभ योग प्रारंभ होगा। वही दोस्तों इसके उपरांत राहुकाल के समय की बात करें तो दोस्तों यह समय रहेगा दोपहर के 12:23 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। दोस्तों यह समय आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें और दोस्तों चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि पर संचार करेंगे। माँ की आंखों की नमी अपने दामन में सोख लेना, माँ के एक कतरा आंसू में दरिया का वजूद होता है। भगवान से कुछ मांगना हो तो हमेशा अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना, तुम खुद ब खुद आसमान की ऊंचाइयां छू लोगे। बड़ी इबादत से पूछा था मैंने भगवान से जन्नत का पता, तो अपनी गोद से उतार कर भगवान ने माँ की बाहों में सुला दिया। लोग न जाने क्यों मोहब्बत तलाश करते हैं, मैंने तो माँ के कदम में ही प्रेम का दरिया पाया है। किसी ने माँ के कंधे पर सिर रखकर पूछा, माँ कब तक अपने कंधे पर मुझे सोने देगी, तो माँ ने कहा कि जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा ले। राम लिखा, रहमान लिखा, गीता लिखा, कुरान लिखा, जब बात हुई सारी दुनिया को एक लफ्जों में लिखने का, तब मैंने माँ का नाम लिखा। जब हम बोलना नहीं जानते तो हमारे बोले बिना माँ हमारी बातों को समझ जाती है, और आज हम हर बातों पर कहते हैं छोड़ो भी माँ आप नहीं समझोगी। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। देनी राशिफल। दोस्तों यश में किसी विशेष कार्य में आपको सफलता असंभावी है, परंतु यश में भावुकता के बजाय व्यवहारिक सोच रखने का समय होगा। दोस्तों आपको बता दें कि आपका व्यापारिक दृष्टिकोण आपके लिए यश में लाभदायक स्थितियाँ उत्पन्न करेगा। दोस्तों यश में किसी रिश्तेदार द्वारा धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का आपको आमंत्रण भी प्राप्त हो सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अपने नजदीकी लोगों के साथ किसी प्रकार का भी वार्तालाप करते समय आप सावधान रहें। दोस्तों कोई भी बात बात जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, संतान किसी समस्या का जो है कारण बन सकता है। दोस्तों यश में उसका सहयोग करना तथा उसके मनोबल बनाकर रखना आपके लिए जरूरी होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दिन की शुरुआत में उत्साह कम लगने की वजह से किसी भी काम में मन उतना नहीं लगेगा, फिर भी दोस्तों अपने प्रयत्नों द्वारा आप और एकाग्रता द्वारा काम पर बने रहेंगे और अपने काम को आगे बढ़ा भी पाएंगे। और दोस्तों यश में परिवार संबंधी जिम्मेदारियों की वजह से चिंता आपको सता सकती है, बड़े भाइयों या फिर बहन द्वारा आपको मार्गदर्शन यश में प्राप्त होगा। दोस्तों आपको बता दें कि माता के साथ संबंध अच्छे बनाने की यश में आपको कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों ये आपके आगे के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में मीडिया तथा संपर्क सूत्रों द्वारा कुछ ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे आपके काम आसान भी हो जाएंगे। स्त्रियां अपने घरेलू तथा व्यक्तिगत कार्यों को सजगता और सरलता से यश में पूरा कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने काम में अनूठी होशियारी का प्रदर्शन भी करेंगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि माता पिता का स्वास्थ्य का चिंता का कारण बन सकता है, इसलिए दोस्तों उनके प्रति भी आपको लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी अतिरिक्त समय निकालना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि यश में किसी भी यात्रा को करने से आपको परहेज करना चाहिए, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि काम के प्रति आपका उत्साह यश में बना रहेगा। मन में बढ़ रही चंचलता की वजह से आप जो है एक काम पर पूरा ध्यान दे पाना आपके लिए यश में थोड़ा सा मुश्किल भी होगा।
दोस्तों कोई भी समस्या का हल निकालने के लिए एक वक्त पर एक ही बात पर आपको ध्यान देना होगा। मन में आ रहे अलग अलग विचार और आइडियाज, इसकी वजह से आप स्थिरता महसूस करेंगे। आपको बता दें कि यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों भविष्य संबंधी किसी योजना को गंभीरता से अंतिम रूप देने में यश में आप सफल भी रहेंगे। लंबे समय से चली आ रही चिंता व फिर तनाव में आपको राहत मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें यश में हर्ष परिहास तथा मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी आपका खुशनुमा समय भी व्यतीत होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में पिता पुत्र में हल्की फुल्की नोक झोंक रह सकती है। दोस्तों अपनी वाणी तथा क्रोध पर नियंत्रण रखें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि व्यर्थ की यात्रा में आपको समय नष्ट नहीं करना चाहिए। यश में सुकून व फिर शांति पाने के लिए किसी धार्मिक यात्री या फिर आध्यात्मिक स्थल पर भी आपको समय व्यतीत करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों परिवार के लोगों के बीच यश में कुछ वाद विवाद की होने की वजह से आपके अंदर नकारात्मक की भावना भी रह सकती है। दोस्तों दूसरों के झगड़े में खुद को ना उलझाए, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। खुद के काम को जो है प्राधान्य देना आपके लिए आवश्यक होगा। दोस्तों किसी मित्र के द्वारा भी आपको इसमें मानसिक क्लेश का सामना हो सकता है, तो दोस्तों इसमें आपको मित्रों से भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि समय आपके लिए पूरा तो अनुकूल ही रहेगा। आपकी किसी विशेष प्रतिभा को उजागर करने का उचित समय भी इसमें आपको मिल सकता है। दोस्तों किसी खास मित्र द्वारा आपको उचित सहयोग भी मिलेगा, लेकिन दोस्तों यश में आपको पुराने मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी, जो कि दोस्तों आपकी भविष्य संबंधी योजनाओं को भी कामयाब करने में सहायक रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों अनावश्यक खर्चों की वजह से भी आपका बजट इसमें बिगड़ सकता है। और दोस्तों इसमें आर्थिक मामलों को लेकर किसी नजदीकी व्यक्ति से कहासुनी होने की आशंका बन रही है। दोस्तों पारिवारिक मामलों में भी किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें, अन्यथा घर के सदस्यों में गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय परिस्थिति भले ही पूरी आपके पक्ष में नहीं होगी, लेकिन दोस्तों अपनी मेहनत द्वारा कठिन बातों को सुलझाने में आपके लिए समय आसान होगा। आपको बता दें कि काम का बोझ आपके ऊपर इसमें बढ़ सकता है, काम छोड़कर अन्य बातों पर ध्यान देना आपके लिए इसमें समस्या का कारण बनेगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बचें और अपने कार्यों पर इसमें अपने ध्यान को केंद्रित रखें। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें, अर्थात आपके करियर की, तो दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और एकाग्रता उचित परिणाम हासिल करेंगे। पिता या फिर पिता समान किसी व्यक्ति का सहयोग आपको कोई भी निर्णय लेने में सहायता करेगा। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को भी पब्लिक संबंधियों कार्यों में भी धैर्य और शांति बनाकर रखने की जरूरत होगी, ये आपके व्यवसाय के लिए समय बेहतर होंगे। और दोस्तों इसके उपरांत यह समय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय संबंधी हर छोटी सी छोटी बात को भी गंभीरता से इसमें आपको लेने की जरूरत होगी। जल्दी ही नए व्यवसायिक अनुबंध भी आपको प्राप्त होंगे, परंतु दोस्तों यश में अपने प्रतिद्वंदी की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। शेयर सट्टा आदि जैसे कार्यों में निवेश करने के लिए जो समय है आपके लिए उत्तम समय नहीं होगा, तो दोस्तों इनसे यश में आप दूरी बनाकर रखें। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय में चल रहे संघर्ष जल्दी ही राहत मिलने वाली है इनसे, और सिर्फ आपको धैर्य और मेहनत करने की जरूरत होगी। दोस्तों आपको बता दें कि आपके कार्य करने की नई प्रणाली भी इसमें सफल होने वाली है, लोग आपके कार्यों को पसंद करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी अभी अपने अधिकारियों से संबंधित कुछ मतभेद बने रहेंगे, और इसमें आपको इनसे लड़ने से झगड़ने से बचना चाहिए, ये आपके व्यवसाय के लिए इसमें बेहतर होंगे। तथा दोस्तों इसमें मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्यों में अपना समय व्यर्थ ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आप जो है अभी वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना ध्यान को केंद्रित रखें। दोस्तों आपको बता दें कि अचानक ही किसी व्यक्ति के मुलाकात दोनों पक्षों को लाभदायक स्थिति यानी बिजनेस का आदान प्रदान करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए भी यश में इमरजेंसी ड्यूटी भी लग सकती है, यानी यश में आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा, विवाह योग्य व्यक्तियों के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता आने की संभावना यश में बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में पारिवारिक वातावरण तो सुखद रहेगा ही, जीवन साथी का भी सहयोग आपके आत्मबल को और भी मजबूत बनाकर रखेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पति पत्नी में आपसी सामंजस्य भी बना रहेगा और इसका भाव विद्यमान रहेगा।
दोस्तों आपको बता दें कि घर के मामलों में अधिक हस्तक्षेप करने से परहेज करें, ये आपके पारिवारिक जीवन के लिए यश में बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रहेगी, परंतु आपका पारिवारिक कार्यों में उनको सहयोग करना आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। तो दोस्तों यश में सहयोग जरूर करें, ये आपके रिश्तों के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सिर्फ अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान इसमें आपको महसूस हो सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि ब्लड प्रेशर, थायराइड आदि से संबंधित परेशानियों की नियमित जांच अवश्य करवाएं, अपने इलाज में लापरवाही ना बरतें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यह समय बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि नियमित खान पान की वजह से अपच की दिक्कत रहेगी, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको इसमें सजग रहना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और साथ ही दोस्तों यह समय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा सफ़ेद और भाग्यशाली अंक रहेगा 5।